ये हम कोई नई बात नहीं कह रहे कि हमारी हिंदी फिल्मों में साहित्य नहीं है, ये हमको पता है 70s, 80s, 90s, now 2000। सिर्फ साहित्य हमने देखा है 60s की फिल्म में, 50s की फिल्म में, उसके बाद साहित्य से नाता हिंदी फिल्मों का टूटता जा रहा है और अभी तो बिल्कुल ही टूट चुका है, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। देखिए, तकनीक इम्प्रूव करने से कुछ नहीं होता है। तकनीक आपने एक बॉटल बदल दी, आपने एक अच्छा बर्तन बना लिया, लेकिन बर्तन में खाना अगर सड़ा हुआ है तो उस बर्तन का, अच्छे बर्तन का क्या फ़ायदा। तो तकनीक के हिसाब से इंडियन सिनेमा ने काफ़ी कुछ नई तकनीक सीखी हैं, लेकिन जब उसका कथानक ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम तकनीक को? सिर्फ मोटरसाइकिलों की वो देखेंगे, स्टंट्स देखेंगे? आई ट्राई एंड चूज फिल्म विच मेक लिटल मोर सेंस, लेकिन चॉइस आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है। और पहली चीज़ हम रोल देखते हैं कि भैया रोल कैसा है, और दूसरी चीज़ धन। नहीं देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो भी एक्टर है उसको अलग अलग किस्म की भूमिकाएं निभानी चाहिए, और तभी वो सही एक्टर कहला सकता है और अच्छा एक्टर कहला सकता है। अगर आप एक ही तरह के रोल ज़िंदगी भर करते रहेंगे तो फिर आप कहाँ के एक्टर हुए। जी हाँ, दे आर ऑल वेरी वेल राउंडेड कैरेक्टर्स इन बुड्ढा मर गया। थैंक यू।